जुलूसे मोहम्मदी, हजारों लोग हुए शामिल, प्रशासन रहा मुस्तैद। पूर्णिया में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। शहर की सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के 10,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए। जिले के तमाम लोगों से इस शांति जुलूस में शामिल होने की अपील की जा रही थी। शांति जुलूस पूर्णिया शहर के रंगभूमि मैदान से सुबह 10 बजे शहर के प्रमुख रास्तों से होती हुई वापस रंगभूमि मैदान में आकर दोपहर 3 बजे खत्म हुई। जुलूस मोहम्मदी में शामिल लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर जगह जगह शरबत और ठंडे पानी की व्यवस्था लोगों द्वारा किया गया था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। जुलूस मोहम्मदी तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा था। हर साल की तरह इस साल भी सुबह से ही लोग रंगभूमि मैदान पहुंचने लगे थे। विभिन्न प्रखंडों के मुस्लिम संगठनों का जुलूस इकट्ठा हुआ, जिसमें जुन्नी इस्तंबरार, बेगमपुर, बनभाग, मुगल टोली, आदमपुर, परोरा, सबूतर, पोठिया, रामपुर, कजरा, बेलबाड़ी, रहीकपुर, कदगामा, सधुबेली, खुशकी बाग, चिमनी बाजार, सिटी, मौलवी टोला, महबूब खान टोला, लालगंज, मिल्की, पोखरिया, कनेला, मंझेली, मटिया, छतिया, महेंद्रपुर, लाइन बाजार के साथ अरबिया कॉलेज के लोग शामिल हुए। रंगभूमि मैदान से विशाल जुलूस मोहम्मदी की शक्ल लेकर शहर भ्रमण पर निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग अमन शांति का पैगाम दे रहे थे। जुलूस में शामिल लोगों ने मोहम्मद साहिब के बताए नक्शे कदम पर चलकर सबसे बड़े धर्म इंसानियत की हिफाजत करने का वादा किया। जुलूस रंगभूमि से चलकर गिरजा चौक, जेल चौक, आरएनसा चौक, भट्टा बाजार, कालीबाड़ी, झंडा चौक, लखन चौक, रजनी चौक, लाइन बाजार, फूड कंपनी, गिरजा चौक होते हुए देर दोपहर करीब 2 बजे वापस रंगभूमि मैदान में पहुंची। जुलूस में शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे, जिसमें ट्रैक्टर, टोटो, ऑटो कार, मोटरसाइकिल, साइकिल के साथ पैदल भी लोग चल रहे थे। जुलूस मोहम्मदी को लेकर बच्चों से लेकर नौजवानों में गजब का उत्साह देखा जा रहा था। शहर की सभी प्रमुख सड़कें जुलूस मोहम्मदी को लेकर जाम की स्थिति झेल रही थी। सड़क पर जुलूस में शामिल लोगों का जन सैलाब उमड़ा था। हाथों में धार्मिक झंडे, डीजे और बाजे के साथ लोग पूरे उत्साह से पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मना रहे थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सदर SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि जुलूस मोहम्मदी को देखते हुए करीब 1000 पुलिस बल पूरे जिले में तैनात किए गए हैं। CCTV और ड्रोन से जुलूस पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम नजर बनाए हुई है। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। किसी तरह की भी गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया जा रहा है। DM कुंदन कुमार ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को धारा 107 एवं बान डाउन के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने वाले टिप्पणियों और धार्मिक उन्माद वाले नारों एवं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व स्थानीय छोटे छोटे कारण को लेकर सामाजिक सद्भावना को चोट पहुंचाने वाले तत्व किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज गुल, मोहम्मद इम्तियाज उर्फ पप्पू, मोहम्मद आलम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद इजहार फौजी, मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद शरीयत, बिटनोली पश्चिम पंचायत के मुखिया सुशील कुमार उर्फ बम्बम आदि जुलूस में उपस्थित हुए।
हमारी तरह होगी, हमारी हर मौके पर वो करते रहेंगे। और रूट ये है कि यहाँ से निकलेंगे तो छोटी बच्चियों को लाने की जरूरत नहीं है, नहीं लाना है। सारा कोई लड़की है, कोई शेर से पास आ जा रहा है। इसलिए आप सुखों के नाम के साथ रहे और सुखों के नाम के साथ पसा सा पापा का करने दे। आप ही उनका साथ ले, वो आपका साथ ले। कभी भी जिंदगी में किसी तरह के बदनाम दस नहीं न होने पाए, मुझे उम्मीद कभी है।